सत श्री अकाल जी सारे नू, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आर रिविजन मॉड्यूल फॉर योर पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। नाउ ए रिविजन मॉड्यूल दे विच असी MCQs राही तुहाडी रिविजन करा रहे हैं, राइट। तो तुसी जे लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो तुसी जानते हो कि असी MCQs राही इकोनॉमिक्स दा, GK इकोनॉमी दा पूरा पोर्शन कवर कर रहे हैं। हजे तक साढ़े 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। वो तिना लेक्चर्स दे विच असी कवर की करे है, नैशनल इनकम अकाउंटिंग जिदे विच GDP GNP वगैरह हुंदा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इनफ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, राइट। नाउ एक्सटर्नल सेक्टर भी कवर कर चुके हैं। अज जिहड़ा लैक्चर असी MCQs राही कवर करांगे, अज जिहड़ा टॉपिक असी MCQs राही कवर करांगे वह हैगा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मैं लिख देना इत्थे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर का टॉपिक जिहड़ा है तुहाडे GK इकोनॉमी के सिलेबस के विच, इंडस्ट्री का जिहड़ा टॉपिक है GK इकोनॉमी के सिलेबस के विच, उसनों असी अज MCQs राही कवर करांगे। ऑलराइट, तुसी फैमिलियरी हो चुके हो साड़ी इस सीरीज नाल, ठीक है, जे तुसी रेगुलरली इसनू फॉलो कर रहे हो कि MCQs राही असी कवर करते हैं। खैर, बिना किसी देरी दे हुण पहले क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का यह चार ऑप्शन चो कि इंपैक्ट नहीं सीगा ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं, इट एक्चुअली एनहेंस द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। नाउ रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब की हो गया कि एक रीजन तो ग्रो कर रहा है बाकी रीजन थले ही हैं, राइट। नाउ व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन केम, इट वॉज एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज एक्चुअली पॉपुलराइज इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। सो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दीज 3 स्टेट्स एक्चुअली ग्रू, बट रेस्ट ऑफ इंडिया, द रूरल लैंडस्केप इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री डिड नॉट ग्रो एट ऑल। सो ऐसे करके ना रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई, ठीक है। पंजाब, हरियाणा ते वेस्टर्न यूपी का रूरल लैंडस्केप तो ठीक हो गया, बाकी हिंदुस्तान का रूरल लैंडस्केप ठीक नहीं होया। इसे करके वी वॉन्ट से दैट इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, इट एक्चुअली एनहेंस द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। इट क्रिएटेड अ सरप्लस इन फूड ग्रेन, यस। ग्रीन रेवोल्यूशन का यह सब तो वड्डा एडवांटेज सीगा, इसे करके तो असी ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आए सी कि यार फूड ग्रेन सरप्लस असी बना सकिए। इट एनेबल द फार्मर्स टू क्रिएट एन एडिशनल इनकम, बिल्कुल सही। जब यील्ड ही बढ़ जूगी हाई यील्डिंग वैराइटीज नाल तो फिर एडिशनल इनकम तो आनी है। इट मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, बिल्कुल सही, यही पर्पज सीगा ग्रीन रेवोल्यूशन का दा। तो ऐसे करके तो पूछा हुआ है कि नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपैक्ट, तो ए इज नॉट एन इंपैक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एम्ड एट, ना तुहानू पता होना चाहिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी की है। देखियो बिफोर 1991, तुहानू पता है 1991 दे विच असी बहुत वड्डे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंडक्ट किए थे, इंप्लीमेंट किए थे, उन्होंने असी वो रिफॉर्म्स असी कलेक्टिवली कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट बिफोर 1991 इंडिया की इकोनॉमी ना काफ़ी हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी सीगी। ना उस क्लोज्ड इकोनॉमी दे विच असी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी फॉलो करते सी। नाउ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी की है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी सीगी कि रादर दैन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स मेक दोज गुड्स इन इंडिया ओनली। सो बहुत सारी कंट्री सीगी जेड़ी खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करती सी, ना उन्हां दी कंजम्पशन इंपोर्ट्स राही पूरी हुंदी सी, ठीक है। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारे फिनिश गुड्स इंपोर्ट करती सीगियां, बट इंडिया दे विच असी पॉलिसी की फॉलो करिए कि खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेंगे बट इंडिया दे विच ही बनावांगे, उसनू बाहरों इंपोर्ट नहीं करना। असी बाहरों BMW, मर्सिडीज या टोयोटा की गड्डियां नहीं असी इंपोर्ट करनी, इंडिया दे विच ही मारुति सुजुकी, अपना फीएट पद्मिनी, अपना अंबेसडर वगैरह, ये जिन्नी गड्डियां है असी इंडिया दे विच ही प्रोड्यूस करनी है, बाहरों इंपोर्ट नहीं करनी, है ना। तो इस पॉलिसी नूं असी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज अ पॉलिसी अंडर विच इंडिया डिसाइडेड दैट रादर दैन इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स मेक दोज गुड्स इन इंडिया, ठीक है। ना इसका एक होर पर्पज सीगा, इसका पर्पज सीगा कि अपनी जिहड़ी लोकल इंडस्ट्रीज हैगी ना उन्होंने असी प्रमोट करना है, ठीक है। जे असी बाहरों समान इंपोर्ट करांगे तो लोकल इंडस्ट्रीज नूं असी प्रमोट नहीं कर रहे, बिकॉज लोकल इंडस्ट्रीज नूं फिर वेचण लई कोई मार्केट नहीं मिलती ना। इंडिया के बंदे जे बाहरों समान इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज किनू वेचांगे,
है ना, तो ए रीजन सीगा द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एम्ड एट डेवलपिंग लोकल इंडस्ट्रीज फॉर द नेशनल नीड एंड अवॉइडिंग इंपोर्ट फॉर द सेम। बिल्कुल सही, यही पॉलिसी सीगी। सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स बाय हाई वैल्यू गुड्स, ना सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स बाय सेम वैल्यू गुड्स, वही गुड्स जेडे बाहरों इंपोर्ट करने से इंडिया दे विच बना रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग द इंपोर्ट बास्केट टूवर्ड्स मोर ड्यूरेबल आइटम्स, ना असं इंपोर्ट ही नहीं करना, इंपोर्ट बास्केट नहीं चेंज करना, इंपोर्ट ही नहीं करना। प्रोविजन ऑफ सबसिडीज फॉर इंपोर्ट्स ऑफ नेसेसरी गुड्स, बिल्कुल नहीं, ए तीन तो सी ही नहीं, ठीक है। द ओनली करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज द मेजर रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वॉज डेवलपिंग लोकल इंडस्ट्रीज फॉर द नेशनल नीड्स एंड अवॉइडिंग इंपोर्ट्स फॉर द सेम। आंसर इज ए। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री। Serving farmers and saving farmers is a report by 8-member National Commission on Farmers, which was chaired by M.S. Swaminathan. ठीक है, ये तो सिंपल आंसर है, रटे वाला क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना है, इस दे विच कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, इसे करके ये एक्सप्लेनेशन दी लोड नहीं है, तुसी याद रखना है बस कि सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मर्स 8-member कमीशन दी रिपोर्ट सीगी, और जेडे 8-member कमीशन सीगा उदे चेयरमैन सीगे M.S. Swaminathan जी, जिन्होंने असी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, ठीक है ना। ओपन मार्केट सेल स्कीम की है, तुम्हें पता है FCI जेड़ा है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो फार्मर्स तो MSP ते ग्रेन्स प्रोक्योर करता है, ते उसनू बफर स्टॉक दे विच रखता है, ठीक है, ते बफर स्टॉक तो वो ग्रेन्स नू ट्रांसपोर्ट करता है ते डिस्ट्रीब्यूट करता है एट वेरियस फेयर प्राइस शॉप्स, जिन्हां नू असी राशन दी शॉप्स कहिंदे हैं, जिथे तुसी राशन कार्ड अपना दिखा के राशन लैंदे हो, मंथली एलोकेशन अपनी, है ना। तो FCI अपने बफर स्टॉक दे विच फार्मर्स तो प्रोक्योर कीतियां गईयां ग्रेन्स नू रखता है, ते उसनू डिस्ट्रीब्यूट करता है राशन कार्ड दियां शॉप्स ते थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। पर जनरली इस पूरे सिस्टम नू असी PDS कहिंदे हैं या TPDS कहिंदे हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। नाउ मेजोरिटी मेजरली जनरली हमेशा इस तरह होंदा है कि FCI दे कोल ना बफर स्टॉक दे विच ज्यादा ग्रेन्स हुंदी हैं, जेड़ी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे विच ग्रेन्स जा रही हैं वो तो फिर भी घट हैगी हैं, FCI प्रोक्योर ज्यादा कर लेना, ठीक है, ते वो ज्यादा प्रोक्योर जेड़ी ग्रेन्स हैगी हैं वो बफर स्टॉक दे विच स्टोर रहिंदी हैं। कदे कदे FCI दे कोल इन्नियां ज्यादा ग्रेन्स प्रोक्योर हो जांदी हैं कि FCI नूं पता ही नहीं हुंदा कि ए ग्रेन्स दा करिए की, ठीक है। FCI दे कोल स्टोरेज तो घट है पर ग्रेन ज्यादा प्रोक्योर कर ली, ठीक है। तो FCI नूं पता नहीं ग्रेन्स पईयां गोडाउनां दे विच पईयां सड़ रही हैं, ठीक है। तो ये जिहड़ी सरप्लस ग्रेन्स हैगियां बफर स्टॉक दे विच FCI दे, FCI कदे कदे इस नूं मार्केट दे विच बेच देंदा, ठीक है। तो उसनूं असी कहिंदे हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। जब FCI ओपन मार्केट सेल स्कीम नाल ओपन मार्केट सेल स्कीम्स दे थ्रू स्कीम दे थ्रू इंडिया दे विच ग्रेन्स ऑफलोड करता है, इंडिया दी मार्केट दे विच ग्रेन्स बेचता है, तो उसनू असी ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक कहते हैं। जब FCI बफर स्टॉक चो ग्रेन्स कट के एक्सपोर्ट कर देता है तो उसनू असी OMSSF कह देते हैं फॉरन, ठीक है। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम मेजरली हैगा कि वैन FCI ऑफलोड्स इट्स सरप्लस स्टॉक, ठीक है। It is the liquidation of excess stocks of food grains in open market. बिल्कुल सही। One of the aims of this exercise is to moderate open market prices and offload excess stock. बिल्कुल सही। कदे कदे की होंदा है कि food inflation बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ना तुसी जानते हो inflation कदों होंदी है? When demand outstrips supply. When demand is more than supply, then inflation happens. Right? Now FCI सोचता है कि उस दे कोल ता food grains पई हैं buffer stock दे विच। ता inflation नू कट करन लई FCI sells or offloads food grains into the market. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਸੀ। FCI by offloading surplus stock in the market, FCI increases supply, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ FCI ਕੰਡਕਟਸ OMSS। ਇਟ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। FCI ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ SBI ਇਸ ਬਰਡਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰਪਲਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ?
यू नो अबाउट क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, मैंने एक्सप्लेन करने की लोड नहीं है। जे तुसी वीट राइस उगाई जा रहे हो तो क्रॉप डायवर्सिफिकेशन नहीं हो रही, इसनों असी कहते हैं मोनोकल्चर ऑफ वीट एंड राइस। पर जे तुसी अपनी लैंड ते वक्रियां वक्रियां क्रॉप्स उगा रहे हो, ठीक है, देन यू आर डूइंग क्रॉप डायवर्सिफिकेशन। नाउ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन का सब तो बेस्ट मेजर एडवांटेज की है क्रॉप डायवर्सिफिकेशन का। क्रॉप डायवर्सिफिकेशन का मेजर एडवांटेज हैगा सॉइल फर्टिलिटी। ते जब सोयल फर्टिलिटी होंदी है ना तो तुहाडी जिहड़ी आउटपुट होंदी है, तुहाडी यील्ड होंदी है, वह स्टेबल हो जाती है। वरना जे तुहाडा सोयल बंजर हैगा ना तो तुहाडी आउटपुट वेरिएबल बहुत ज़्यादा होंदी है, वॉलेटाइल होंदी है, बहुत ज़्यादा फ्लिप करती है, ठीक है। पर जे तुहाडा तुहाडी जमीन उपजाऊ हैगी है, जे तुहाडा सोयल फर्टाइल हैगा, ठीक है, तो योर वेरिएबिलिटी वॉलेटिलिटी डिक्रीजेज एंड योर यील्ड बिकम्स स्टेबल, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन? रिडक्शन इन आउटपुट वेरिएबिलिटी, ये तो कॉन्सिक्वेंस हैगा ही है, मैं दसिया ही है कि जब तुहाडा सोयल फर्टाइल है तो उसकी वेरिएबिलिटी घट जाती है, ठीक है, वॉलेटिलिटी घट जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल। प्राइस शॉक रिस्क इज रिड्यूस, यस, जे तुहाडा सोयल फर्टाइल है तो वेरिएबिलिटी घट है, वेरिएबिलिटी घट है तो प्राइस शॉक रिस्क इज ऑलसो रिड्यूस्ड। प्लस फॉर एग्जाम्पल तुहाडी जमीन ते तुसी वक्रियां वक्रियां क्रॉप्स उगा रहे हो, उन्हां चो एक अद्धी क्रॉप का प्राइस तुहानू वधिया नहीं मिल रहा पर बाकी क्रॉप्स तो हैगियां तुहानू सेव करन लई, है ना। राइस का प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा पर पल्सिस ज़्यादा मिल सकता, मेक सेंस, तो तुसी अपनी बैट्स हैज कर लेंदे हो, है ना। तो प्राइस शॉक रिस्क इज रिड्यूस, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मोर प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जरूरी थोड़ी है जे तुसी क्रॉप डायवर्सिफिकेशन करोगे तो गवर्नमेंट ज्यादा प्रोक्योर करूगी, ना, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ऐसे करके द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। ना मेरी गल सुनो ध्यान नाल, कंफ्यूजन हो जाती है कदे कदे। मैनू पता करना है कि इंडिया दे विच टोटल एरेबल लैंड, टोटल एग्रीकल्चरल लैंड किन्ना है, ठीक है। ना लेट सपोज इंडिया दे विच ना टोटल एग्रीकल्चरल लैंड, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दस रहा 10 हेक्टेयर है, वैसे तो मिलियन हेक्टेयर दे विच हुंदा है, पर लेट सपोज इंडिया दे विच टोटल एरेबल लैंड इज 10 हेक्टेयर, इसनों असी कहांगे नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब इंडिया दे विच नेट किन्ना एरिया है जेड़ा जिदे उत्ते खेती करी जा रही है, सो किते जा रहे हैं सीड्स, ठीक है। नेट सोन एरिया इज 10 हेक्टेयर। नाउ इसी फॉर एग्जाम्पल 10 हेक्टेयर नू साल दे विच 3 वारी यूज किया जाता है फॉर ग्रोइंग 3 डिफरेंट क्रॉप्स। तुसी समझ आ गया तुहानू? देखो एक पीस ऑफ लैंड नू जे तुसी साल दे विच एक वारी यूज कर रहे हो तो ठीक है, पर तुसी अपने लैंड नू साल दे विच मल्टीपल टाइम्स यूज कर दे हो, कदे राइस दी कर रहे हो, कदे वीट दी कर रहे हो, कदे पल्सिस दी खेती कर रहे हो, राइट। तो जे तुसी एक साल दे विच अपने सेम पीस ऑफ लैंड नू 3 वारी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो योर ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बिकम्स 30 हेक्टेयर, ठीक है। तो नेट सोन एरिया इज एक्चुअल लैंड तुहाडे कोल किन्ना है, उसे लैंड नू जे तुसी मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो तो तुसी नेट सोन एरिया नू उसे मल्टीपल नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया इज 30 हेक्टेयर, नेट सोन एरिया इज 10 हेक्टेयर। तो जब असी ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ते नेट सोन एरिया का रेशियो लेंदे हैं उसनू असी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आखदे हैं, कि तुसी अपने लैंड नू किन्ना इंटेंसिवली कल्टीवेट कर रहे हो। जे क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा हुंदी है दैट मीनस तुसी अपने लैंड नू बहुत ज़्यादा बारी मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो साल दे विच, है ना, तो तुसी इंटेंसिव खेती कर रहे हो। चलो GCA वुड जनरली बी लैस दैन NSA, कदे हो ही नहीं सकता, GCA विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन NSA, द रेशियो बिटवीन GCA एंड NSA इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बिल्कुल सही, ये गलत है, GCA वुड जनरली बी लैस नहीं है, गलत है, GCA वुड ऑलवेज बी मोर दैन NSA, द रेशियो बिटवीन GCA एंड NSA इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बनता है बी। ऑलराइट, चलो अगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statements in the context of MSP. It is declared by Cabinet Committee on Economic Affairs. बिल्कुल सही है। देखो MSP दी declaration जड़ी हुंदी है ना, वो Cabinet Committee on Economic Affairs ही करता है। पर ये जड़ी declaration है, this is based on the recommendations of CACP, Commission for Agricultural Costs and Prices. ठीक है? तो always remember, CACP is a recommendatory body. हाँ, generally CACP दी recommendations मन लेंदी है सरकार,
but it is still a recommendatory body. Actual declaration of MSP is done by Cabinet Committee on Economic Affairs. ठीक है जी. It aims to protect farmers from price shocks. बिल्कुल सही. It is declared for 22 agricultural crops. बिल्कुल सही. नोते अन्ना सुनो. MSP जेड़ा हैगा. It is declared for 22 crops, of which 14 are kharif crops, 6 are rabi crops. टू आर कमर्शियल क्रॉप्स. ते कमर्शियल क्रॉप्स केड़ियां हैगी हैं? जूट ते कॉपरा. जूट ते कॉपरा. ठीक है. तो इट इज डिक्लेयर्ड फॉर 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. बिल्कुल सही. द आंसर इज ए 1, 2, and 3. चलो क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रूरल इंडिया? नबार्ड. ये तो सौखा क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन है, याद रखियो. The apex institution for agricultural credit, rural credit in India is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Question number 9. In India, markets in agricultural products are regulated by APMC. हर स्टेट अपना APMC एक्ट इनैक्ट कर दी है, ते उसे हिसाब नाल उस स्टेट दे विच agricultural products दी मार्केट डिसाइड होंदी है. ठीक है, याद रखियो. APMC regulates markets for agricultural products in different states. The APMC is not enacted by center. APMC is enacted by different state legislatures. B. Question 10. With reference to index of industrial production, consider the following statement. Now, index of industrial production बारे तो अनुजानकारी होनी चाहिए थी है, ठीक है? Index of industrial production basically measure की करता है volume of production in different industrial sectors, ठीक है? Now, index of industrial production ना actually measure पता है करता है manufacturing दे विच की output हैगी है, mining दे विच की output हैगी है, इलेक्ट्रिसिटी दे विच की आउटपुट हैगी है, ठीक है, एंड पब्लिक यूटिलिटीज. तो ये तीन मेजर सेक्टर्स ने, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग ते इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज. तो ये सारे जेडे सेक्टर्स ने, ये तो मेजर सेक्टर्स ने, बाकी होर बथेरे छोटिया छोटिया इंडस्ट्रीज हैं, सारे दे विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दी आउटपुट मेजर करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. क्लियर. नाउ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय NSO. बिल्कुल सही है. द बेस ईयर फॉर IIP इज 2011-12. बिल्कुल सही. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज द हाईएस्ट वेट इन द बास्केट ऑफ IIP? ना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का सब तो वध वेट हैगा. द थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. द आंसर इज 1 and 2 ओनली. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है. देखो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की है. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ना एक्चुअली दो होंगे हैं. एक तुसी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कट दे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर लाई, एक तुसी कट दे सर्विसेज दे लाई. तो मैन्युफैक्चरिंग का PMI वखरा होंदा है, सर्विसेज का PMI वखरा होंदा है. नाउ PMI की होंदा है? PMI एक्चुअली एक स्कोर होंदा है. तो तुसी जब देखोगे ना PMI फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्कोर हैगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है 56, ठीक है? तो तुहानू ये ध्यान रखना है कि PMI का जिहड़ा स्कोर होंदा है वह वेरी करदा 0 to 100 दे विच. ते जे PMI का स्कोर 50 तो ज्यादा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सैक्टर एक्सपैंड कर रहा है. तो जे PMI का स्कोर 50 तो घट हैगा, दैन दैट मीनस दैट पर्टिकुलर सैक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग. इफ PMI फॉर मैनुफैक्चरिंग इज 56, दैट मीनस मैनुफैक्चरिंग सैक्टर इज एक्सपैंडिंग. इफ PMI फॉर मैनुफैक्चरिंग इज 42, दैट मीनस मैनुफैक्चरिंग सैक्टर इज कॉन्ट्रैक्टिंग. सेम ही चीज सर्विसेज दी है, ठीक है? चलो स्कोर अबव 50 मीन्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. बिल्कुल सही. स्कोर बिलो 50 मीन्स इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन? ना, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. PMI इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर? एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर इज 1 and 3. ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ पार्ट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? नो, मेरी गल सुनो ध्यान नाल. 8 कोर इंडस्ट्रीज तुहानू याद होनी चाहिए हैं, 8 दी 8, ठीक है? लिखो, जे तुहानू याद नहीं है तां हुण याद कर लियो. एक तां हैगा कोल, एक हैगा स्टील, आयरन एंड स्टील असीं कहिंदे आ, एक हैगा रिफाइनरी, ठीक है, एक हैगा फर्टिलाइजर,
क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट, ते इलेक्ट्रिसिटी, ये अठ कोर सैक्टर है ताडे। ठीक है, कोल, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोर सैक्टर्स। क्लियर? तो तुसी आइडेंटिफाई करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, टेक्सटाइल ते हैवी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। आंसर इज 1, 2, 3। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following factors, policies were affecting the price of rice in India in the recent past? Rice the price, market the which rice the price, kede factors to influence ho rhea? MSP naal rice the price influence honda? Bilkul honda hai. Government trading, government jinna trade karugi, demand supply the which unne changes laugi, right? Ede naal rice the price effect honda hai, bilkul. Government stockpiling, jay government store kar di jaye. राइस नू स्टोर करी जा रही है, ठीक है, तो मार्केट दे विच गवर्नमेंट राइस दी सप्लाई आर्टिफिशियली कट कर रही है, ठीक है, तो डिमांड तो वधी हुई है, सप्लाई कट हो रही है, तो राइस दा प्राइस वध रहा है, बिल्कुल। कंज्यूमर सबसिडीज, जे गवर्नमेंट सबसिडी देगी तो मार्केट प्राइस तो ऑटोमैटिकली घट जूगा, है ना, तो इसे करके ऑल फोर आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑफ राइस। क्वेश्चन 14, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू एफसीआई इज एमएसपी एंड बोनस पेड टू द फार्मर्स प्लस। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब की है, देखो जिहड़ी फूड ग्रेन्स एफसीआई अपने कोल रखदा ना, वह उसकी ओवरऑल कॉस्ट की पैंदी है एफसीआई नू, ठीक है, एक तो कॉस्ट हैगी है कि एमएसपी ते प्रोक्योर कर रहा है फार्मर्स तो, ठीक है, तो एक तो वह कॉस्ट होगी, कदे कदे फार्मर्स नू बोनस भी दिता जाता है, तो ठीक है बोनस भी देता तुसी, क्लियर, तो एमएसपी ते बोनस तो कॉस्ट हैगी एफसीआई दी। दूजी कॉस्ट की एफसीआई दी, ट्रांसपोर्ट भी करनी है ग्रेन्स, वह भी कॉस्ट हैगी है, स्टोर भी करनी है ग्रेन्स, वह भी कॉस्ट हैगी है, ठीक है, तो एमएसपी ते प्रोक्योरमेंट करन लई एफसीआई नूं कुछ बंदे भी तो हायर करने पैने हैं, ठीक है, शेड बनाना है, मार्केट रखनी है, बंदे भी हायर करने, उन्होंने दी सैलरी जाऊगी, राइट, तो एमएसपी ते प्रोक्योरमेंट दे करन लई भी कुछ कॉस्ट पै रही है एफसीआई नूं, उसनूं असी प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल्स कहिंदे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जे आपां देखिए एफसीआई दी कॉस्ट कैलकुलेट करिए, तो एमएसपी दे बोनस दे अलावा एक तो प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल है, तो दूजा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैगी है, ट्रांसपोर्ट ते स्टोरेज नूं असी कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन कह दें, राइट, तो सी ऑप्शन हैगी है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एफसीआई, एफसीआई का टोटल फाइनेंशियल बर्डन की है, एमएसपी देना है, बोनस देना है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैगी है, प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15, चलो, Which of the following has occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? इस क्वेश्चन का मतलब की है कि 1991 दे विच जेड़े LPG reforms कंडक्ट किए गए सी, उन्हां दे बाद इंडिया दी इकोनॉमी दे उत्ते की इंपैक्ट आया? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज enormously? बिल्कुल नहीं, बल्कि शेयर ऑफ सर्विसेज एक्चुअली इंक्रीज, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्रीज आफ्टर LPG reforms। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, यस, इंडिया जब ओपन ही हो गया, ग्लोबलाइज ही हो गया, तो ऑब्वियसली इंडिया का एक्सपोर्ट्स तो बढ़ने ही है, है ना? FDI इनफ्लोज इंक्रीज, यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया दे विच आन लग गई आफ्टर LPG रिफॉर्म्स। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली, बिल्कुल सही गल है, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज करे हैं। 1991 दे विच साडे कोल इन्ने घट फॉरेक्स रिजर्व सीगे कि असी वो फॉरेक्स रिजर्व नूं यूज करके बस 14 दिन का इंपोर्ट ही कर सकते सी। अज साडे फॉरेक्स रिजर्व इन्ने ने कि असी 10 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं, वो फॉरेक्स रिजर्व नूं जे असी यूज करिए, राइट, साडा इंपोर्ट कवर वध गया, यस्टरडे वी डिस्कस्ड इंपोर्ट कवर। खैर, द आंसर इज 2, 3, 4 ओनली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, With reference to changes introduced in the definition of MSP, MSME, 2020 दे विच MSME दी definition, MSME classification दी definition change कीती है, कि micro industries केड़ियां ने, small केड़ियां ने, medium केड़ियां ने, ठीक है, consider the following statement, an additional criteria of biennial turnover has been introduced keeping in mind the startups, not biennial turnover, annual turnover, एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया तुसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेफिनेशन दे विच। डिस्टिंक्शन इन द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज बीन डन अवे विद, यस, पहला ना
क्लासीफिकेशन जी सी कि माइक्रो इंडस्ट्री है कि स्मॉल है कि मीडियम है वह मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की वक्री सी सर्विसिज की वक्री सी। इस बारी 2020 के 2020 के सैपरेशन हैगी है वह तुम हटाती है हूँ एक ही डेफिनेशन हैगी है माइक्रो स्मॉल तो मीडियम की मैनुफैक्चरिंग भी उही है सर्विसिज भी उही है। It has also been decided that turnover with respect to exports will not be counted in the limits of turnover for any category. एहो जा कुछ नहीं है गया, ठीक है? The answer is B. चलो, question number 17. Main components of evergreen revolution are, ना देखो, father of green revolution was M.S. Swaminathan. But back in 2005, M.S. Swaminathan realized that ग्रीन रेवल्यूशन हैज सर्वड इट्स परपज। ग्रीन रेवल्यूशन जी इंप्रूवमेंट तुम करनी सी कर चुके हो हूँ ग्रीन रेवल्यूशन के नुकसान ज्यादा ने फायदे घट है, ठीक है? ग्रीन रेवल्यूशन हूँ ज्यादा नुकसान क्रिएट कर रही है, वॉटर टेबल घट रहा है, फर्टिलाइजर यूज ओवर यूज हो रहा है, सॉयल बंजर हो रहा है। तो इसे करके इन 2004-05 M.S. Swaminathan declared that now is the time for not green revolution, now is the time for evergreen revolution. तो evergreen revolution दे राही वो की कहना चाह रहे सी, evergreen revolution through वो की actually मतलब की सीगा evergreen revolution दा? वो कहें एवरग्रीन रेवल्यूशन का मतलब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। असी वो एग्रीकल्चर नहीं करना जो अपने एनवायरमेंट भी बंजर करते, ठीक है? असी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना। ग्रीन रेवल्यूशन ने अपना परपज सर्व कर लिया, हूँ ग्रीन रेवल्यूशन पूरे इकोसिस्टम बंजर कर रहा है, ठीक है? तो नाउ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लियर? द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रीन एवरग्रीन रेवल्यूशन की है अपग्रेडेशन ऑफ सॉयल हेल्थ, यस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसे करके कर रहे हैं ना कि सॉयल हेल्थ बढ़ानी है असी। प्रमोट लैब टू लैंड डेमोस्ट्रेशन, यस। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स तुसी लेके आए हो जिदे राही तुसी फार्मर्स नूं हुण टीच कर सको कि किस तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। तो लैब दे विच रिसर्च करो ते लैंड दे विच उनूं डेमोस्ट्रेट करो फार्मर्स नूं, ठीक है? प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस। इंक्रीजिंग कैश क्रॉप प्रोडक्शन, ना कैश क्रॉप दा नहीं कर रहे, 1, 2, and 3 फूड क्रॉप से ही फोकस रहूगा। Okay, the answer is A. Question number 18. Consider the following statements with respect to agriculture sector. Livestock sector has witnessed higher growth than crops. Now, you should know that the agriculture sector is agriculture and allied activities. These components are various. First component is crop farming, which is actual farming. Crop husbandry is also called. Dujja is livestock or animal rearing. तीजा है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, चौथा है गया तो फिशरीज, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये चार कंपोनेंट्स ने एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज दे। नाउ ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर दे विच ना सब तो वध शेयर है गया क्रॉप फार्मिंग का, ठीक है? सब तो वध शेयर, बट रीसेंटली ये देखा जा रहा है कि क्रॉप फार्मिंग का शेयर तो सब तो ज्यादा है पर वो कट रहा है, ते लाइवस्टॉक रेयरिंग का शेयर घट है क्रॉप फार्मिंग नालों बट वो वध रहा है। लाइवस्टॉक सैक्टर दे विच ग्रोथ ज्यादा हैगी है, क्रॉप सैक्टर दे विच नहीं हैगी है। लाइवस्टॉक सैक्टर हैज विटनेस हायर ग्रोथ दैन क्रॉप सैक्टर, यस। लाइवस्टॉक सैक्टर हैज हायर शेयर दैन एग्रीकल्चरल इन एग्रीकल्चरल जीवी दैन क्रॉप सैक्टर, ना शेयर हजे भी क्रॉप फार्मिंग का ही है, ठीक है? लाइवस्टॉक सैक्टर का घट है पर क्रॉप फार्मिंग का घट रहा है शेयर, तो लाइवस्टॉक का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर तो ओनली वन है। Question 19. Which of the following statements regarding edible oils is are correct? Edible oils, palm oil, sunflower oil. India is the second largest consumer and largest importer of edible oils in the world. बिल्कुल सही statement है। असी consume बहुत ज़्यादा करते हैं, import भी दबा के करते हैं, ठीक है? India has one of the lowest level of edible oil production in the world. चक्कर पता क्या है? असी प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं एडिबल ऑयल्स बट साड़ी कंजम्पशन इन्नी ज़्यादा है, असी जे प्रोड्यूस कर रहे एडिबल ऑयल्स इन्ना तो साड़ी कंजम्पशन इन्नी है, इसे करके वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडिबल ऑयल। तो असी जे प्रोड्यूस ही इन्ना कर रहे हैं तो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो अपनी एक्स्ट्रा कंजम्पशन जी हैगी है वह कितों पूरी कर रहे हैं असी, वो पूरी कर रहे हैं इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स नाल, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी कि असी लोएसट लैवल, साडा लोएसट लैवल ऑफ एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है, साडा ठीक ठाक हाई हैगा, सैकेंड थर्ड नंबर पर हैं असी जे एडिबल ऑयल प्रोडक्शन की गल करिए, साड़ी प्रोडक्शन भी हाई है बट कंजम्पशन इन्नी हाई है कि सानू इंपोर्ट करना पैंदा बहुत ज़्यादा, असी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम एम्स टू ऑगमेंट ऑयल सीड अवेलेबिलिटी थ्रू प्राइस इंसेंटिव्स एंड एरिया एक्सपेंशन, यस।
इंडिया दे विच ऑयल सीड प्रोडक्शन होर ज्यादा हो जाए, फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड दिस मिशन, नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स। इस दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह बढ़ा रही है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, एक तो MSP दे तरह ही प्राइस इंसेंटिव दे रही है, ठीक है, ताकि जेडे एडिबल ऑयल्स दे फार्मर्स ने ओ उन्हें प्राइस गारंटी मिल जाऊ, है ना, तो एरिया एक्सपैंड करिए, एरिया अंडर कल्टीवेशन। बिल्कुल सही है, द आंसर इज 1 and 3, ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ए एक्चुअली रट्टे वाली स्टेट, मतलब ए तुसी बस याद रखना है, I'm sure वैसे था I'm hoping कि तुहानू नैशनल बी कीपिंग मिशन बारे पता है, पर जे नहीं पता तो ए क्वेश्चन बेसिकली इंट्रोड्यूस मैं इंक्लूड किया अपने तुहाडे इस सैशन दे विच टू गिव यू इनफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट नो अबाउट दिस, तो बस तुहानू इनफॉर्मेशन देने लई ए क्वेश्चन इंक्लूड किया मैं। नैशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इट वॉज लॉन्च फॉर 3 years फ्रॉम 2020-21 टू 2020-23 विद एन आउटले ऑफ 500 crore। बिल्कुल सही, थ्रू दिस वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग स्वीट रेवोल्यूशन। जिदा तुसी जानते हो ना वाइट रेवोल्यूशन की है, मिल्क प्रोडक्शन बधानी है, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की सीगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बधानी है, राइट, तो स्वीट रेवोल्यूशन की है, हनी प्रोडक्शन बधानी है तुसी। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल बी बोर्ड। बिल्कुल सही, डी एस दा आंसर याद रखना, ये तीनों तीनों डिस्क्रिप्शन, तीनों डिस्क्रिप्शन सही है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन ग्रीन इज इनकरेक्ट। नाउ तुहानू पता है जिदा मिल्क की प्रोडक्शन वधाउण लई असी ऑपरेशन फ्लड लैके आए सी, जिदे आर्किटेक्ट सीगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बिकॉज ऑफ ऑपरेशन फ्लड इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो मिल्क की प्रोडक्शन नू इंप्रूव करने लई असी ऑपरेशन फ्लड लैके आए सी, उसी राह ते असी दुबारा चल रहे हैं टू इंप्रूव प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टीकल्चर। हॉर्टीकल्चर की प्रोडक्शन नू वधाउण लई असी ऑपरेशन ग्रीन लैके आए हैं, बिल्कुल नाम भी उही रखा है असी। ते इस ऑपरेशन ग्रीन दे विच वी एम टू प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। द स्कीम ओनली वर्क्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ टोमेटो अनियन पोटेटो, यस टॉप कहते हैं इसनों, टोमेटो अनियन पोटेटो सिर्फ टॉप क्रॉप्स से ही काम कर रही है ये स्कीम। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ना फूड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर है। इट सीक्स टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टॉप क्रॉप्स टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी ऑल ईयर विदाउट प्राइस वॉलेटिलिटी। ए भी बिल्कुल सही है, दिस इज इनकरेक्ट, थोड़े तो इनकरेक्ट ही पूछे, आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइजर सेक्टर। अंडर द न्यू यूरिया पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रैशनलाइज फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन। बिल्कुल सही, इट इज मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरिया टू ओनली प्रोड्यूस नीम कोटेड यूरिया। बिल्कुल सही, पोटैश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस इज नॉट कवर्ड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। देखो सरकार ना सरकार ने फर्टिलाइजर सैक्टर इंप्रूव करने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इंट्रोड्यूस करी सी। नाउ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम दे विच सारे फर्टिलाइजर इंक्लूडेड ने एक्सेप्ट यूरिया, यूरिया नू हटा दो बाकी सारे फर्टिलाइजर इंक्लूडेड ने इंक्लूडिंग पोटैश। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, आंसर इज ए। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द शेयर ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ नेट सोन एरिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, आउट ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 40% इज इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड 60% इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स। रॉन्ग, उल्टा पुट्ठा है गया, 60% इज इरिगेटेड थ्रू वेल्स, 40% इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स। वेल इरिगेशन ज्यादा है साडी कंट्री दे विच। माइक्रो इरिगेशन फंड विद अ कॉर्पस ऑफ 5,000 crore हैज बीन क्रिएटेड बाय नाबार्ड ड्यूरिंग 2018-19। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सैक्टर। ना जेड़ा पूरा साडा इंडस्ट्रियल सैक्टर है ना उसके भी 4 कॉम्पोनेंट्स है। कॉम्पोनेंट नंबर 1 मैन्यूफैक्चरिंग, ठीक है, दूजा कॉम्पोनेंट है अपना माइनिंग एंड क्वारिंग, तीजा हैगा इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज, ते लास्ट हैगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दीज आर द 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। सब तो ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग दी हैगी है। मैन्युफैक्चरिंग सबसेक्टर हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडस्ट्रियल जीवीए, यस
इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज वॉज द ओनली सब सेक्टर शोकेसिंग पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग 2020-21 लॉकडाउन द फर्स्ट लॉकडाउन द साल. बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट याद रखना तुसी बस. आंसर इज सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स इज करेक्ट. नाउ ए क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं टू गिव यू इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नाउ इट इज रिलीज बाय आरबीआई. ताई गलत है. इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ डिमांड कंडीशंस इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यस इट डज, ओनली टू. ठीक है, एंड लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया. इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम, ना सेकेंड लार्जेस्ट है. इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेड इंडिया रन्स अ ट्रेड डेफिसिट. ना ट्रेड डेफिसिट का मतलब की होंगे कि वी इंपोर्ट मोर एंड वी एक्सपोर्ट लेस, पर इंडिया रन्स ट्रेड सरप्लस इन फार्मा सेक्टर. दैट मीन्स असी दवाइयां, ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट घट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस रन करते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर है डी. ऑलराइट, इसे दे नाल साडा आज दा लेक्चर खत्म होंदा है. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप इट एडेड सम वैल्यू टू योर प्रेपरेशन. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पंजाब कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन, पंजाब कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन. ते रिविजन अपनी जारी रखियो, ते साडे वल्लों कोई तुहानू हेल्प चाहीदी है सानू जरूर दस्यो. ऑलराइट देन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ. थैंक यू.